देखिए दोस्तों, बुक अपॉइंटमेंट लिख के आ रहा है तो मैं इस पर टच किया, ये देखिए, थैंक यू फॉर इंटरेस्टेड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चंदेश टैक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप इस वीडियो में सीखेंगे माई जियो एप्लीकेशन वेबसाइट में जाके आप एयरटेल वीआई का सिम जो है जियो में कैसे पोर्ट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए माई जियो लॉगिन पे टच करना है और आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में चला जाना है, और जाने के बाद आप जो है यहाँ पे खोलेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलेगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल लिख रहा है तो मोबाइल पे आपको टच करना है। मोबाइल पे टच करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर बैक जाना है, फिर से प्रीपेड प्लान पे टच करना है तो यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो मैं फिर से जो है मेनू को टच करूँगा। यहाँ पर मेनू पर फिर टच करेंगे तो फिर से यहाँ पे आप जाएंगे मोबाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे आपको जेड जियो सिम, यहाँ पे आपको टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब टच करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो एयरटेल का और वीआई का हो नंबर। तो मैं अपना नाम यहाँ पर डालता हूँ। अब मोबाइल नंबर है मेरे पास एयरटेल का, तो इस एयरटेल को सिम को जियो में मुझे पोर्ट करना है, तो ऊपर में मोबाइल नाम डाल दूँगा, नीचे में मोबाइल नंबर डालूँगा एयरटेल का, और डालने के बाद जो है नीचे जनरेट ओटीपी पर टच करूँगा तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को डालकर मैं वेरीफाई पे टच करूँगा। तो मैं अलाउ करता हूँ और अलाउ करने के बाद जो है मुझे प्रीपेड सिम चाहिए तो प्रीपेड पर सेलेक्ट रहने देना है आपको, पोस्टपेड लेना तो पोस्टपेड पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू पर आप टच करेंगे। और यहाँ पर जो है जेड न्यू नंबर चाहिए, अगर नया सिम कार्ड चाहिए तो नया सिम पर भी टच कर सकते हैं। मुझे पोर्ट करना है तो मैं पोर्ट के लिए सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर मैं अपना पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो डाल दूँगा, तो आपका जो एड्रेस जिस एड्रेस पे आपको सिम कार्ड पोर्ट करना है वो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है और एड्रेस आपका डाल देना जो आधार कार्ड पे लिखा है। तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ और डालने के बाद है बुक सिम डिलीवरी पे टच करना है। जैसे ही बुक सिम डिलीवरी पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लैट हाउस नंबर कॉलोनी नंबर जो है आप डाल देना है आपको, और डालने के बाद नीचे जाना है आपको और डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। बुक सिम डिलीवरी पर टच करना है आपको। जैसे बुक सिम डिलीवरी पर टच करेगा तो यहाँ पे देखिए बुक या डिलीवरी स्लॉट, आपको कौन सी तारीख को आपका जो सिम डिलीवरी चाहिए तो उस डेट को सिलेक्ट करना है। आज 27 तारीख है तो मैं जो है यहाँ पे 28 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कौन सा टाइम चाहिए तो मुझे एनी टाइम कभी भी ला सकते हैं डिलीवरी बॉय, तो मुझे एनी टाइम को सिलेक्ट करना है। बुक एट अपॉइंटमेंट पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्टेड, तो आपका जो है वो डिलीवरी बॉय आपके घर पे आएंगे, आपको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड जो है आधार कार्ड आईडी कार्ड पासपोर्ट है वो रेडी रखना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए, और आपको डिलीवरी बॉय आपको वो एक्टिवेट करके देंगे और आपका जो है एक महीने का नेट पैक आपको फ्री मिलेगा।